गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। टाइम हो चुका है 2:10 है और ये आ गया इधर। हेलो सुजल। क्यों आवाज नहीं है? हेलो। और बाल देखो तो इसके, आज मैं खुद ही काट दूंगी इनको। ड्रायर लगा के बंदे ने ये ऐसे कर रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाल दिया है। हमने बनाया है दाल और चावल, जो कि पहाड़ियों का स्पेशली है दाल भात। तो बस मैं इसको खाना देती हूँ और साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ क्या कर रही हूँ। सुबह से क्या किया, दो दो वीडियोस अपलोड की। और यहाँ पर लगी है मशीन, मशीन में है कपड़े। ऑब्वियस सी बात है, कपड़े ही होंगे ना। तो अभी थोड़ी देर पहले डाले हैं, पहले कोई ऐसा कुछ था नहीं और यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मुझे लग रहा था ना कि सुजल जब आएगा, ले ले बेटा अंदर से प्लेट। सुजल जब आएगा तो सुजल की ड्रेस भी धुलने को होगी। आज उसका था लास्ट डे स्कूल में, कल से उसको हो चुकी है छुट्टियाँ 3-4 दिन की। मतलब 2 से उसके पेपर है, 2 से है ना सुजल? 2 को है, इसका फर्स्ट मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो स्कूल में ही एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले बता रहे थे कि शायद ऑनलाइन हो सकते हैं, पर ऑफलाइन ही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं इसका वेट कर रही थी कि जब ये आएगा। और पानी का भी ना कुछ 50-50 था, मुझे लग रहा था। कल का पानी टंकियों में चढ़ा तो है, पर सारे किराएदार आ चुके हैं। उससे क्या होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगा धोऊं कि नहीं धोऊं, अगर मैं मशीन में कपड़े डाल दूं और पानी चला गया तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो फिर अभी मैंने क्या किया, मैं बाहर गई थोड़ी देर पहले। तो बाहर मैंने देखा ये लगा है हमारा पब्लिक टैप, नहीं दिख रहा, ये रहा इधर। तो यहाँ पर बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे लगा चलिए पानी मतलब शाम तक आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, पानी गर्म किया और फिर सुजल भी आने वाला था, मैंने कहा चलिए इसी बहाने इसकी ड्रेस भी धुल जाएगी, बाकी के कपड़े भी धुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है। और ब्रेकफास्ट में हमने बनाए थे आज प्लेन परांठा और चाय अचार, और उसके बाद ये तो खाना खा रहा है। लावण्या जो है वो घूम रही होगी बाहर, वो उसका मतलब अंदर आने का मन ही नहीं करता है। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल मैंने फुल रेस्ट किया। कल ना मैं दोपहर में सो गई थी। तो चलिए साथ के साथ काम भी करते हैं। लावण्या को भी मैं बुला लेती हूँ खाना खाने। ले लिया, गिराइयो मत। तो कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल मैं शॉप गई थोड़ी देर, वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी और मज़े से कल मैं लेट उठी हूँ। और मेरी लड़की गायब हो जाती है, कहाँ गई होगी, दिख ही नहीं रही दूर दूर तक। कहाँ खेल रहे हो आप? वहाँ क्या खेल, आ जाओ खाना खाने आओ, आ जाओ बेटा। और ये है मेरे प्लांट्स। और देखिए धूप आ गई मेरे बरामदे में, यहाँ तक आ गई अब धूप ना, इस कॉर्नर तक आ गई है। यूँ यहाँ पर धूप है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए ये मेरे घर में धूप, अब मेरे प्लांट्स में सारे में धूप लगेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर, मतलब थोड़ी देर के लिए आती है, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं आती, पर हाँ ये है कि मेरे प्लांट्स को धूप मिल जाती है अब, और वो अच्छे से और अच्छे से ग्रो होंगे। तो बर्तन मैंने सारे धो दिए, सारा काम कर लिया है ऑलमोस्ट। तो लास्ट में मेरा यही था कपड़े धोऊं कि नहीं धोऊं, फिर मैंने डाल दिए कपड़े। मैंने कहा चलो धो ही देते हैं, पानी आ गया। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, बस उनका भी अब आएंगे, वो 2:15 के करीब आते हैं। कई बार कस्टमर होते हैं ना तो उस वजह से भी लेट हो जाते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये ना मैं मेथी लेकर आई थी रामपुर से, और ये मैंने धोकर रखी है। मैंने इसका कुछ भी नहीं बनाया है अभी तक। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि सुबह लावण्या ने मना कर दिया कि मेथी के परांठे, लाइट की प्रॉब्लम हो रही, मेथी के परांठे मामा नहीं बनाओ। और आलू मेथी मुझे बनाना था, पर पता क्या है, मैं 2 kg आलू लेके आई थी उस दिन, और इतने बेकार आलू है, जैसा मैंने बताया भी है शायद पिछली वीडियो में। मतलब मीठा अलग चीज़ होता है, उसमें ना कुछ अजीब सी स्मेल है, और वो पूरी सब्जी मुझे ऐसे ही फेंकनी पड़ी, गाय को देनी पड़ी, मतलब बिल्कुल भी किसी ने नहीं खाई, कुछ स्मेल सी आ रही। सब्जी बहुत टेस्टी थी बट वो आलू की एक महक सी होती है ना, वो आ रही थी। तो फिर मैंने नहीं बनाई, आलू मेरे पास रखे। अब मैं सोच रही हूँ इन आलूओं को क्या करूँ, इसके परांठे भी अच्छे नहीं बनेंगे, देखती हूँ। इसी वजह से मैंने कोई भी सब्जी नहीं बनाई, पत्ता गोभी भी रखी है मेरे पास, तो मैंने परांठे बना लिए थे। चलिए अब हम लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर सुजल लंच कर रहा है, और सुजल के लंच करते ही यहाँ पर आ गए थे गेस्ट, मामा जी आ गए थे। तो बस उनके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ चाय, और उसके बाद करेंगे लंच। देखो प्लम के पेड़ में फूल आ गए हैं, प्लम के पेड़ में फूल आ गए।
ये आगे से ही आते हैं। अरे छड़ो, अरे छड़ो, बाय बाय। इधर तो गर्मी है बाहर। तो चले गए, मामा जी आ गए थे, इन्होंने चाय पी, खाना खाया। तो हस्बैंड जा रहे हैं गांव में, जो मैच लगे हैं ना, तो इन्होंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ। हस्बैंड जो है ना, वो भी बहुत पुराने खिलाड़ी है हमारे गांव की टीम के, तो ये खेल लेते हैं कभी कभी, चले जाते हैं। तो जब जब इनका मैच होता है, तो आज तो है शायद कि पता नहीं, बोल रहे थे कि मैं जाऊँगा थोड़ी देर। तो गांव में लगे हैं मैच, आगे गांव से आगे एक प्लेन जगह है ना, मैंने दिखाई है पिछली वीडियोस में, जो बहुत पुराने व्यूवर है उनको पता है। तो ये मामा जी भी वहीं चले गए कि मैं यहाँ क्या करूँगा। इनका काम था एक्चुअली भद्राज में, इनकी गाड़ी जो है वो टायर ठीक करने दिए हैं, तो फिर ये वहाँ से बस में आ गए यहाँ तक कि वहाँ भी बोर हो जाऊँगा। हाँ, तो अभी इन्होंने कहा चलो मैं भी वहीं चलता हूँ, मैच देख लूँगा, थोड़ी देर शॉप में बैठ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो ये भी बोर हो जाएंगे और धूप। हाँ, अभी आएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या लाया हमने? उन्होंने तो कुछ भी नहीं लाया, मैंने बोला लाया। तो मामू ने ना ऊपर से लावण्या को भगा दिया कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। मेरे कपड़े एक साइड धुल गए, एक साइड रखे हैं। ये लेस क्यों? दोनों खा लो ना। हाँ, अब दोबारा खेलने जा रही है? अब नहीं जा खेलने, अब अंदर बैठ जाओ, थोड़ी देर पढ़ ले यार, लड़की पढ़ ले। ये कहाँ सुनते हैं, फिर मैं भी नहीं रोकती, क्योंकि दोपहर में ऐसा रहता है ना, अंदर ठंड से बेहतर है बाहर रहे, धूप में खेलते रहे। तो बस मेरे कपड़े आधे हो गए हैं, आधे मतलब हो रहे हैं, फटाफट मैं कपड़े धो लेती हूँ। मौसम जो है ना, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, ऐसे लग रहा है कि एकदम से बारिश हो जाएगी। इसके बाद मैं आपसे सीधी मिल रही हूँ रात में, क्योंकि इसके बाद मैंने काफ़ी सारे काम थे छोटे मोटे वो कर लिए थे। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घर के काम, देखिए हर कदम पर आपको काम दिख जाता है। बच्चे हैं, बच्चे फैला भी देते हैं, खुद भी ऐसा होता है कभी हम कोई सामान इधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं। तो बस अभी मैंने पर्दे लगा दिए हैं, और ये रज़ाई जो है वो धूप में डाली थी, आज सुबह धूप में रखी थी, तो वहाँ से निकाल ली थी हस्बैंड ने दोपहर में, और यहीं रख दी थी रूम में। तो इसे भी मैं अपने रूम में रख दूँगी। टाइम जो है 6:49 हो गए हैं, मतलब 11 मिनट रह गए हैं पूरे 7 बजने को। और मैंने क्या किया, ये मसूर की दाल है ये मैंने उबाल ली है, और वो जो मेथी रखी थी ना, ये देखिए मेथी को मैंने बारीक काट लिया है। तो आलू मैंने यही वाले कट कर लिए हैं, अब कहाँ फेंकूंगी लेकर आई हूँ। तो अभी तो इसमें नहीं स्मेल आ रही है, मुझे लग रहा है ना जैसे मीठे होने की वजह से, ज़्यादा मीठे होने की वजह से शायद वो स्मेल आई हो। तो कट करने से पहले भी धोया और कट करने के बाद में भी धोया है। मैं इन्हें करूँगी फ्राई ताकि इसमें स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए। तो इसको मैं पहले फ्राई करूँगी लहसुन के साथ, और यहाँ पर मैंने लहसुन कूट ली है और प्याज काट लिया है दाल के लिए। तो सबसे पहले हम दाल को लगाकर साइड में रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। आज अलग तरीके से ही बनानी पड़ेगी, आलू को पहले फ्राई करेंगे बाद में मेथी ऐड कर देंगे, तो होपफुली ज़्यादा ख़राब ना लगे ये आलू। और 2 kg में से 3 उस दिन बनाए थे, 2 आज कट किए हैं, बाकी एज इट इज़ 2, 4, 6, 8, 9 आलू ऐसे रखे हैं इतने बड़े बड़े साइज़ के। देखिए देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो बस फटाफट से खाने की तैयारी करती हूँ, हस्बैंड तो लेट ही आते हैं, मामू भी शायद मुझे लग रहा है उन्हीं के साथ आएंगे, अभी नहीं आएंगे मामू भी। मैंने ना यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए तेल चढ़ा दिया है, तो यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगाऊंगी, और जब तक हमारी मतलब दाल में तड़का तैयार होगा उतनी देर में यहाँ क्या करूँगी, यहाँ पर मैं अपने आलू जो मैंने कट करके रखे हैं ये इन्हें फ्राई कर दूँगी। तो दोनों काम साथ साथ में हो जाएंगे। पहले मुझे लग रहा था दाल बनाती हूँ, पर मुझे लगा पर दोनों काम साथ साथ कर लेती हूँ, जल्दी फ्री हो जाऊँगी।
तो बस तेल जितनी देर दूसरी साइड हमारे गर्म हो रहा है उतनी देर में मैंने एक तरफ में तड़का लगा दिया है, जो तेल मैंने पहले चढ़ाया था। सरसों का तेल है तो इसे हमें हीट करना रहता है, तो बस वही सूखी मिर्च, जीरा का छौंक लग रहा है वो डाल दिए हैं। जब वो स्प्लटर हो गए, चटक गए, उसके बाद प्याज ऐड की, उसके बाद अदरक लहसुन, और उसी के बाद ऐड कर देंगे यहाँ पर टमाटर, एक मैंने कट करके रख दिया। उसके बाद वही बेसिक से रेगुलर सूखे मसाले जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। और ये जो मसूर की दाल है ना, ये बिना टमाटर के भी बहुत अच्छी बनती है, काले मसूर जो है। तो बस तड़का मैंने छोड़ दिया है, मतलब टमाटर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया। साथ के साथ देखिए दूसरी तरफ तेल हो चुका था, इसमें ज़ीरा ऐड किया और उसके बाद डायरेक्ट आलू ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद ये लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं है, खाली लहसुन का पेस्ट है। और आपके पास अगर हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च भी इस टाइम पर आप ऐड कर सकते हैं कूट कर लहसुन के साथ। इससे मैं कोशिश कर रही थी कि फ्लेवर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए आलू का। तो बस जितनी देर वो हमारे आलू भुनते हैं उस पर क्रिस्पी सा, मतलब क्रस्ट सा आ जाएगा, उतनी देर ये दाल देखिए मैंने ये डाल दी है। दाल मतलब दाल का हमारा काम हो चुका है, तो अब आलू पे आ जाते हैं। तो देखिए आलू जो हैं वो 40% कुक हो गए हैं। जब वो 40% कुक हो जाए उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है प्याज। तो इनको मैंने निकाला नहीं है, फिर वैसे बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो बस इसी में मैंने प्याज ऐड कर दी है। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और थोड़ा सा इसमें हम रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च ये डाल देंगे। बस अच्छे से मिला लेंगे, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, होपफुली ये खाने में भी अच्छे हो। बस सच में ये बहुत अच्छी बनी थी। तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये मेथी जो हमने काट कर रखा है, तो बस इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेथी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, और आलू हमारे 40% कुक है। तो इस स्टेज पर ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अच्छे से मिला लेंगे। और बस देखिए अभी से ये कितनी अच्छी लग रही है, और 5 मिनट में ये पक जाएगी, मेथी जल्दी पक जाती है। तो चलिए इसे ढक कर रख देते हैं। तो आलू मेथी की सब्जी देखिए तैयार है, इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लूँ छोटे वाले में। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना मेथी की, मेथी की जब काटते हैं तब भी बहुत अच्छी आती है, और जब अच्छी लग रही है ये देखिए बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें लगा देंगे हम ढक्कन, इसे रख देंगे साइड में, और बाकी ना मैं बर्तन धो दूंगी। तो टाइम हो गया 7:30 का, 35 हो गए हैं, और ये छिलके वगैरह ना ये मैं लेकर जा रही हूँ बाहर। सॉरी क्या जला रही हूँ मैं, लाइट की जगह कुछ और ही जो दबा रही हूँ, अंधेरा हो गया, गाय नहीं दिख रही मुझे। तो ये मैं दूंगी गाय को, और खाना मेरा बन गया, यहीं पर रख देते हैं, गाय आ जाती है ना फिर खा लेती है। अब जब गाय आएगी खुद खा लेगी, अभी पता नहीं कहाँ चली जाती है, फिर रात के टाइम आ जाती है। अपना काम हो गया सारा ख़त्म, अब मैं लावण्या को लेती हूँ, पढ़ने बिठाती हूँ, मतलब पढ़ने बैठती हूँ ये कह सकते हैं, खुद ही बैठना पड़ता है बच्चों के साथ। और पौधों को पानी मैंने दे दिया था, तो अब मैं लावण्या को पढ़ने बिठाऊँगी। जल्दी फ्री हो गई आज मैं, ये इसको मैं पहले धो देती हूँ, बाकी मैंने सारे बर्तन नहीं दिखे, हाथ के हाथ धो दिए, कढ़ाई मैंने यहाँ रख दी है, ये चाय का ये मैं बाद में धोऊंगी, और चावल भी लगा लिए मैंने, ये चावल थोड़े से दोपहर के रखे हैं। तो बस चलो बेटा चलो चलो, हो गया आपका कार्टून, आजा आजा आजा, रुको नहीं, आजा जल्दी आजा। तो मैं ना चपातियाँ बना दी है, यहाँ रख दिए मैंने चपातियाँ बनाकर, और ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर दिया है, और ये चावल वाला मतलब ख़त्म हो गए थे चावल, तो ये भी मैंने धुल के रख दिया, सारे बर्तन क्लीन कर दिए हैं, सिंक वगैरह मैंने अच्छे से धो दी। चावल मैं इसमें तब डालूंगी क्योंकि पिछली बार ये नहीं धुल पाया था, पिछली बार भी रह गया था, तो मैंने कहा इस बार तो मैं इसे धो ही दूंगी। और टाइम जो है वो 8:30 का हो गया है, तो इसको मैंने पढ़ने को दे दिया था, और इसको पढ़ने को दे के मैं चली गई थी ये बाकी का काम करने, मतलब थोड़ा सा था इससे पूछ कर, जो इसको लर्न करने को दिया था वो पूछ कर चली गई थी मैं चपातियाँ बनाने। उसके बाद फिर गैस वगैरह साफ़ की, राशन बॉक्स धुल दिया, अब दोबारा आ गई हूँ, बस वो आ जाए फिर मैं खाना दूँ, और फिर पूरे दिन के काम जो है वो ख़त्म। कितना रिलीफ मिलता है ना, बस आने वाले, मैंने अभी फ़ोन किया था।
तो आप लोगों से बात करने के बाद बच्चों को खाना मैंने दे दिया था, और उसके बाद ये भी आ गए थे जब बच्चे खाना खा रहे थे दोनों लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने, और जब भी कोई आता है तो मतलब खूब हंसी मजाक होती है, बातचीत, पुरानी बातें याद आ जाती है। तो बस यहाँ पर हम तीन अब खाना खा रहे हैं। लावण्या जो है वो अपना नानू उसके ये लगते हैं, इनको टेबल दिखा रही है लिख लिख के। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। पानी तो नीचे, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय कहाँ लावण्या दे, अलार्म लगा दिया, अलार्म नहीं लगाया, हटो। तो भैया खा पी के बर्तन धो के अपना मुंह धो के हम हो गए हैं फ्री, और टाइम 10:01। आज हम जल्दी फ्री हो गए, 10:01 है। खाना जो है मेथी की सब्जी जो है सच में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब उसकी खुशबू दे दी। हम पानी नानू को दिया, गिलास में दिया। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी हम यहीं करते हैं। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।